हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नई सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। नई सीरीज ऑफ लेक्चर्स फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग। तो देखिए, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का पर्पस जो है लेक्चर का, वो ये है कि आपको एक मैं आउटलाइन दे देता हूँ कि अपने आने वाले सीरीज ऑफ लेक्चर में हम लोग क्या कवर करेंगे, कौन से टॉपिक कवर करेंगे कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग के। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग। पहली चीज तो ये है कि देखिए, कंट्रोल सिस्टम जो सब्जेक्ट है आपका, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट के हिसाब से, आईईएस के हिसाब से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसको अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके एकदम शुरू से पढ़ेंगे, और अगर ड्यूरिंग बीटेक आप कर रहे हैं इसको, तो खूब अच्छे से कर लेंगे, तो आपको कॉम्पिटिशन्स में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा इसका। तो ये पर्पस है इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स को शुरू करने का, चाहे आप सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए। अगर आप सिक्वेंशियली सीरियली सीरीज ऑफ लेक्चर के साथ आप चलते रहेंगे, जैसे जैसे लेक्चर में टॉपिक कवर हो रहे हैं वैसे वैसे अगर आप करते रहेंगे, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब इसमें आप मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि हम लोगों ने टोटल कोर्स के आपको हमने 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है इसको। ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए। से अगर हम इसको कहें कि मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड दिस इज मॉड्यूल 4। तो अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि किस मॉड्यूल में कौन सा एरिया कवर करेंगे, कौन से टॉपिक कवर करेंगे, और उसको अगर आप एडवांस में या मेरे साथ भी अगर आप पढ़ते चलेंगे, तो आपको फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो थ्योरी में और ना तो न्यूमेरिकल में। तो आज जो इस लेक्चर का पर्पस है, इस लेक्चर का पर्पस केवल आपको ये इंट्रोड्यूस कराना है कि हम लोग क्या कोर्स कवर करेंगे अपने इस सीरीज ऑफ लेक्चर में, और फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट द लेक्चर फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो अब जैसे मॉड्यूल 1 है, तो मॉड्यूल 1 में हम लोग कवर करेंगे कंट्रोल सिस्टम इंट्रोडक्शन, कंट्रोल सिस्टम इंट्रोडक्शन, और साथ ही साथ उसका एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग, कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें, और मैथमेटिकल मॉडलिंग मतलब उसको मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो सारी चीजें हम अपने ये कोर्स मॉड्यूल 1 में कवर करेंगे। ठीक, अब आप आ जाइए कोर्स मॉड्यूल 2 पे। अब कोर्स मॉड्यूल 2 में देखिए क्या क्या चीजें कवर होंगी। कोर्स मॉड्यूल 2 में जो कवर होगा वो है आपका कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स। इसमें जो हम कवर करेंगे कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स। ठीक है, तो कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जैसे आपका सर्वो मोटर्स है, स्टेपर मोटर है, और जितने भी चीजें हैं वो सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट में। अब आप आ जाइए मॉड्यूल 3 में। मॉड्यूल 3 में क्या है, मॉड्यूल 3 में देखिए, यहाँ पे तो हमने इंट्रोडक्शन और सारी चीजें पढ़ ली, इसमें हमने पर्टिकुलर कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया। अब आई उसकी परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस जो हम एनालाइज करेंगे वो 2 डोमेन में करेंगे, एक टाइम डोमेन में और एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो यहां पे हम करेंगे टाइम डोमेन एनालिसिस, टाइम डोमेन एनालिसिस, टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो उसकी हम टाइम डोमेन में एनालिसिस करेंगे मॉड्यूल 3 में, और मॉड्यूल 4 में उसी सिस्टम को या उन्हीं कंट्रोल सिस्टम्स को उनकी फ्रीक्वेंसी डोमेन में। ठीक है, टाइम डोमेन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होता है, ये आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो कल से जब इसका
शुरू होंगे सब्जेक्ट के लेक्चर, टॉपिक के लेक्चर, तो एक ईच एंड एवरीथिंग आपको क्लियर कर दिया जाएगा। तो मॉड्यूल 4 में हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करेंगे इन्हीं कंपोनेंट्स की, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में आपके सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे आपका निक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है, स्टेबिलिटी गेन है, कांस्टेंट एमानेंट सर्किल मतलब फेज मार्जिन है, गेन मार्जिन है, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर हो जाएंगी। तो मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं कि द टोटल कोर्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, ठीक है, या 4 सेक्शन। इन फर्स्ट सेक्शन इन मॉड्यूल 1 वी विल कवर, इन द फर्स्ट सेक्शन इन मॉड्यूल 1 वी विल कवर कंट्रोल सिस्टम इंट्रोडक्शन एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग। इन द सेकेंड वन वी विल कवर कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स, ठीक। देन इन मॉड्यूल 3 वी विल कवर टाइम डोमेन एनालिसिस एंड इन मॉड्यूल 4 द फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। तो पूरा जो आपका कोर्स का जो आउटलाइन है वो मैंने आपको समझा दिया है कि इस तरह से, और अगर आप इस इन लेक्चर्स को मेरे साथ सिक्वेंशियली सीरियली और जिस ऑर्डर में लेक्चर्स चैनल पे डाले जा रहे हैं उस तरह आप फॉलो करते रहेंगे तो आपको किसी भी तरह के एग्जाम में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि देखिए जो कंट्रोल सिस्टम का जो सब्जेक्ट है ये आप ध्यान रखिएगा कि दिस कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आज क्या करते हैं, आज एक थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन या ये कह लीजिए एक शुरुआत कर देते हैं कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। अदरवाइज तो कल के इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में सारी चीजें बताई जाएंगी, फिर भी टुडे वी विल स्टार्ट व्हाट इज कंट्रोल सिस्टम। तो देखिए कंट्रोल सिस्टम, तो पहली बात तो कोई भी इंजीनियरिंग किसी भी इंजीनियर के लिए, फॉर ऑल इंजीनियर्स, ठीक है ना, फॉर ऑल इंजीनियर्स इट इज वेरी मच ऑफ इम्पोर्टेंस, ठीक। पहली जो कंट्रोल डिवाइस डेवलप की गई थी वो डेवलप की गई थी बाय मिस्टर जेम्स वॉट्स, ठीक है, इन्होंने किया था। और उस डिवाइस का नाम क्या था, उस कंट्रोल सिस्टम डिवाइस का नाम था फ्लाईबॉल गवर्नर, फ्लाईबॉल गवर्नर, फ्लाईबॉल को गवर्न करने वाला, ये डेवलप किया था जेम्स वॉट ने, ठीक। और कब डेवलप किया था, इन द ईयर ऑफ 1767, ठीक है। और इसका यूज क्या था, इसे वही देखिए जैसे नाम बता रहा ना फ्लाईबॉल गवर्नर, तो इंजन की जो स्पीड थी, इंजन की स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए, ठीक है, इस फ्लाईबॉल गवर्नर को डिजाइन किया गया था। ये एक तरह का पहला वेरी फर्स्ट कंट्रोल सिस्टम था, ठीक। और कैसे किया गया था, उसमें सिंपली क्या था, बाय रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ द स्टीम टू द इंजन, इंजन को स्पीड को उन्होंने कैसे कांस्टेंट पे रखा था कि इंजन को जो स्टीम सप्लाई होती थी उसको चलाने के लिए, उस सप्लाई को उन्होंने रेगुलेट कर दिया था, रेगुलेट मतलब कांस्टेंट कर दिया था, मतलब एक ऑर्डर ऑर्डर में ला दिया था, ठीक है। तो ना वो फ्लक्चुएट हो रही थी और ना तो उसकी वजह से इंजन की स्पीड फ्लक्चुएट होती थी। तो दिस वॉज द ब्रीफ, वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, कि हाउ कंट्रोल सिस्टम वॉज इन्वेंटेड एंड वाई इट वॉज इन्वेंटेड, ठीक है, कब इन्वेंट किया गया, वेन इट वॉज इन्वेंटेड एंड क्यों इन्वेंट किया गया, ठीक है। अब इसके बाद जो आगे जो कंट्रोल सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, तो जैसे अगर हम लोग कंट्रोल सिस्टम की बात करें, कंट्रोल सिस्टम है ना, तो कंट्रोल सिस्टम दो तरह के होते हैं बेसिकली। एक होता है आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, दूसरा होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब देखिए ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि और क्लोज लूप में क्या होता है,
ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, कोई फीडबैक नहीं होता, ठीक है। मतलब क्या हुआ, फीडबैक का मतलब जानते हैं क्या होता है? जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक। सपोज कीजिए ये कोई डिवाइस है, अभी हम कुछ नाम नहीं दे रहे, हमने कहा ये डिवाइस ए है, दिस इज डिवाइस ए। इसको हम दो इनपुट दे रहे हैं, सपोज कीजिए एक्स वन और एक्स टू, और हमको यहां पे आउटपुट मिल रहा है वाई, क्लियर। अब ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कब होगा, जब कोई फीडबैक, फीडबैक क्या होता है, जब आउटपुट का पूरा आउटपुट या उसका कुछ पार्ट, मान लीजिए हमने कहा से हाफ लगा दिया हमने, वापस इनपुट में एंटर किया जाए, मतलब आउटपुट या उसका कोई पार्ट वापस अगर इनपुट में आ रहा है, तो ये इस तरह का जो पाथ कहलाता है, ये कहलाता है फीडबैक पाथ। और जिसमें फीडबैक होता है वो सिस्टम कहलाता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, और जिसमें नहीं होता है वो कहलाता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। यानी कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम मतलब नो फीडबैक, नो फीडबैक, या आप इसको नो फीडबैक पाथ, यानी आउटपुट का कोई पोर्शन यहां दोबारा इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो इसको अगर आप कैंसिल करेंगे, ठीक है, इस पाथ को आप कैंसिल करिए, ये तो ये जो आएगा ये आपका एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हुआ, क्लियर। यानी कि अगर हम कहें कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम डिजाइन कीजिए, तो सिंपली उसमें से हमने कहा ये कोई डिवाइस है, ठीक, इसके हमने कहा एक दो क्या, हमने कहा तीन इनपुट है, सपोज कीजिए एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और एक आउटपुट है, ठीक है, वाई, या हमने कहा दो आउटपुट है वाई वन एंड वाई टू, लेकिन आउटपुट का कोई भी पोर्शन कहीं भी वापस इनपुट पे नहीं जा रहा है, तो इस तरह के सिस्टम को हम ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे हैं, से मान लीजिए हमने कहा कि और भी कई तरह के ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, अभी इसको हम लोग बात करेंगे तो फिर ये लेक्चर लेंदी हो जाएगा। आज के लेक्चर का पर्पस केवल ये था कि आपको एक आउटलाइन देना कि कमिंग सीरीज ऑफ वीडियो लेक्चर्स में हम लोग क्या कोर्स कवर करने जा रहे हैं और उससे आपको क्या एडवांटेज मिल रहा है। तो आई होप कि आपको ये कोर्स मॉड्यूल अच्छा लगा होगा, आप इसको आगे फॉलो करेंगे, ठीक है, और आई कैन अश्योर यू दैट अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी तरह के एग्जाम में, सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, ऑल इंडिया लेवल हो, ठीक है, कंपटीशन लेवल हो, आपको किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू।